हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यहाँ स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो बेसिकली आपको पता है कि ये वीडियो किस लिए है, डी टू डी के, जिसको हम लोग डी टू डी तो हम लोग प्यार से बोलते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री बी टेक में सेकेंड ईयर में जाने के लिए डिप्लोमा वालों के लिए और बी एस सी ग्रेजुएट्स के लिए जिनका मैथ्स रहता है उनके लिए मौका है कि आप यहाँ पे बी टेक में झारखंड में बेसिकली जहाँ भी जो भी प्राइवेट कॉलेज है जेसीसीबी के अंडर आए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बी टेक के आप एडमिशन ले सकते हो सेकेंड ईयर में। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो कल आनी चाहिए थी, नहीं आ सकी। मैंने जैसा कि आपको पोस्ट भी किया था और मैंने आपको टेलीग्राम में बताया था कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, बट चलती है, इतना कुछ होता है, बट अभी भी नहीं हो सका कुछ। लेकिन फिर अभी ज़रूरी, अगर मैं आज भी स्किप कर देता यह बोल के कि हाँ भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो फिर मैं फिर से नहीं कर पाता, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि आज ज़रूरी है वीडियो रिकॉर्ड होनी, क्योंकि आज अगर रिकॉर्ड होने से छूटता है तो फिर आपका बहुत कम दिन बचेगा, 18, 19, 20, 21 चार दिन बचेंगे, कल एक छूट ही गया और आज। तो मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो को जैसे देखेंगे आप इसे शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों को बताएंगे कि हाँ भाई ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चॉइस फिलिंग के लिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने चॉइस फिलिंग कर ली होगी, बट आप लोग लॉक नहीं किए होंगे, बस आप मेरी बातों को सुनना चाहते थे कि मैं क्या बोलता हूँ इस चॉइस फिलिंग को लेकर। तो बट थैंक्स एंड रियली फर्स्ट टाइम मैं सॉरी पहले बोलूँगा कि हाँ भाई कल नहीं आ सकी, 24 घंटे हम लोग पीछे चल रहे, कोई बात नहीं, चलती है। आप 2 दिन के अंदर आप लोग सब कुछ देख ही लोगे इस वीडियो को, और एंड रियली थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कि आप लोग एक कॉमन लड़के को आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि ताकि वो आप लोगों को समझा सक रहा है, तो इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मी पर्सनली। सो पहले मूविंग ऑन कि मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चॉइस फिलिंग करना, आप बेसिकली आप तो समझ ही चुके होंगे कि कैसे चॉइस फिलिंग करना, बट मेरा जो है मैं शुरू से अंत तक बताता हूँ, पेमेंट एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हुई। मैंने इस बार पेमेंट वेमेंट सब किया हुआ है, ठीक है। मैं तो पहले एक कैंडिडेट का नाम लूँ कि नहीं लूँ मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ठीक है नहीं लेता हूँ। उन्होंने अपने आईडी दिया, मैं उनके आईडी का, वैसे तो आप लोग सब, बहुत लोगों ने अपना आईडी मुझे शेयर करने के लिए किया, रियली थैंक्स कि आप लोगों ने सब ने मैक्सिमम, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया या कॉल किया, जिसने भी कि आपको आईडी मिल गया नहीं तो आप मेरा आईडी ले लो, इट्स थैंक्स। एंड जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया था मैं सबको चॉइस फिलिंग के लिए आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा इस वीडियो के बाद, उसके बाद जब तक आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है, और मैं जल्दी लाइव आऊँगा या फिर गूगल मीट भी कराऊँगा ताकि आप लोग मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है। जैसे ही थोड़ी सी मेरी तबीयत और ठीक होती है तो मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, और रियली थैंक्स यार, रियली थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि लिस्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग्स में जाना है, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर उसके बाद जब लिस्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग जैसे ही आप ओपन करोगे, ठीक है, मैं तो यहाँ पे अभी कैंडिडेट का एक आईडी ही खुला हुआ है डायरेक्टली, तो मैं इसे अगर लॉग आउट कर दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स अ बेसिक थिंग। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पहले जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री का आपको पोर्टल दिख जाएगा। उस पोर्टल में जाके आप ईजिली आप क्लिक करोगे, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगी कि आपको पासवर्ड और उसवर्ड जनरेट करना। मैं, चलो ठीक है, हटाओ इसे, मैं करके ही दिखा देता हूँ कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ से, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको करना है। जैसे देखो ये सामने दिख रहा है आपको पोर्टल में, ये क्लिक हेयर करना है, ठीक है, क्लिक हेयर करना है आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको यहाँ क्लिक हेयर करना है, ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पोर्टल में आते हो, ठीक है, कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लैटरल एंट्री में, तो फिर आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है जो 4 से शायद स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, कैप्चा कोड डालो जो दिख रही है, उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड, आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है दोनों जगह आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है मेल आईडी जो है वो आपको मेन इनबॉक्स के जगह स्पैम में देखने को मिल जाए, तो स्पैम भी जरूर जाके चेक कर लेना मेल आईडी की, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे जी भी खुद भी बोलता है कि आप स्पैम चेक कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो उसके बाद आप आओगे साइन इन में, एग्जिस्टिंग यूजर हो जाओगे तब तो आप, तो साइन इन करोगे तो साइन इन में ऑब्वियस सी बात है कि लॉग इन आईडी जो आपकी आई है और पासवर्ड जो आपका आया है उसको आप डालो और कैप्चा डाल के फिर से लॉग इन करो। तो वही चीज़ मैंने भी किया, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ से लॉग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसी करनी है। मैंने तो पेमेंट भी तक के कर लिया है, जैसे कि पेमेंट में मैंने आपको बता के रखा था 400 लगेंगी जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी1 बीसी2 वालों कैंडिडेट्स को, और 250 रुपीज़ या 200 शायद लग रही हैं एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज, ठीक है। तो ये चीज़ आप पेमेंट करोगे, मैंने तो फ़ोनपे से पेमेंट किया, यूपीआई से डायरेक्ट, बहुत ईजिली पेमेंट है इनका, साइट थोड़ा सा इन पेमेंट के मामले में तो बहुत बढ़िया है मेरे ख्याल से, अभी तक तो किसी का मुझे अटकने का या फंसने का, पेमेंट फंसने का कोई अभी तक ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं मिला, अगर आप लोग का किसी का हुआ तो बताओ,
ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब मैं इसे आगे बढ़ता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। मुझे पता है कि आप लोग को ये जानने में ज्यादा बेसब्री है कि चॉइस फिलिंग में रखना क्या है। ये तो हमें पता है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लेकिन रखना क्या है ये आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है। ठीक है, पहले मैं पोर्टल को इन करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने पोर्टल में अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी वो डाला हूँ कैंडिडेट का जिन्होंने मुझे अपना आईडी दिया है, या फिर मैंने जिनका आईडी चुना क्योंकि मैं उनको बहुत लंबे टाइम से जान रहा हूँ, करीबन 1-1.5-2 साल से। तो मैंने उनके आईडी पे मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। ऐसे तो मैं आपको सबको मैं मदद करूँगा, मैं सबको बताऊँगा, और ये जनरली वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ। तो आपको इस तरह से दिखेगा, पेमेंट करने के बाद शॉर्टलिस्ट का ऑप्शन है, एक दूसरा है सेट प्रेफरेंसेस, और तीसरा है लॉक ऑप्शन फॉर्म। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। पहले शॉर्टलिस्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करोगे, सब कॉलेजेस को चूज करके रखोगे, ठीक है। उसका सेट प्रेफरेंसेस में आप जाके वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी आप चॉइसेस जा रहे हो उनको प्रेफरेंस नंबर दोगे कि प्रायोरिटी चूज करोगे, 1 नंबर पे कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ठीक है। और लॉक ऑप्शन फॉर्म में आप जाके एक बार चेक करोगे कि आपके क्या क्या प्रायोरिटीज वहाँ पे शो कर देंगी कि 1 नंबर पे आपने इसको रखा है, 2 नंबर पे इसको ये रखा। अगर आप जॉब कन्फर्म हो जाते हो कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो नीचे एक डिक्लेरेशन होगा, टिक करोगे, उसके बाद आप लॉक कर दोगे, ठीक है। और वो लॉक हो जाने के बाद आपको एडिटिंग का मौका 22 तारीख को देखने को मिलेगा। लॉक हो जाने के बाद कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और बदलाव करनी है तो वो 22 तारीख को आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने ये नया चीज़ इस बार लाया, तो ये लिटरली डेवलपमेंट के स्टेज में है, अच्छे कर रहे हैं, डेवलपिंग है, बहुत बढ़िया बात है। ये साइट में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। कहीं नुकसान भी है बहुत जगह, बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का फोटो और सिग्नेचर का ही अभी तक झंझट चल रहा है, तो चीज़ें अभी भी हैं। लेकिन पोर्टल जो काउंसलिंग का मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉलिटेक्निक में भी मैंने देखा, इसमें भी आपकी वही है। तो चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, तो सबसे पहले आप ब्रांच चूज कर लो कोई भी एक। चलो तो मैं मैकेनिकल का बंदा हूँ तो मैं मैकेनिकल चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि किस कॉलेज में क्या डिस्ट्रिक्ट है। तो पहले क्या होता था कि वहाँ पे चूज करना होता था पहले कि खाली आप ब्रांच चूज करो और उसके बाद इंस्टीट्यूट स्टेटस चूज करो कि गवर्नमेंट में कौन से हैं, तो गवर्नमेंट पहले खुल जाता था। तो अब यहाँ क्या है कि आपको स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट भी चूज करनी है, तो डिस्ट्रिक्ट आप चूज करोगे तभी आएगा। तो जैसे धनबाद चूज करोगे और फिर गवर्नमेंट चूज कर लोगे ना, तो सिर्फ BIT सिंदरी मेरे ख्याल से खुलनी चाहिए, मुझे जितना आइडिया है। जो देखो BIT सिंदरी खुल गया, तो मैं धनबाद का BIT सिंदरी ऐसे करके प्लस साइन पे चूज कर लूंगा, ये सिलेक्शन मेरा ऐड हो गया। वही गवर्नमेंट में अगर मैं हजारीबाग चूज करता हूँ तो यूसेट हजारीबाग आना चाहिए, ठीक है। देखो आप बोलते थे कि यूसेट गवर्नमेंट है कि नहीं गवर्नमेंट है, देखो स्टेटस गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट नहीं है भाई, गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। ये हो गया। अब पलामू में भी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, तो पलामू का चूज कर लेते हैं। अभी भी गवर्नमेंट है वो स्टेटस, देख लो तो आना चाहिए ऑप्शन, देख लेते हैं। नो ऑप्शन, तो पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है वो, तो चाहे एक बार और चेक कर लेते हैं भाई कहीं कहीं, या फिर ऑल करके देख लेते हैं, ठीक है। पलामू में ऑल करके देख लेते हैं, देखते क्या खुलता है, ठीक है। ऑल कर लो यहाँ पे, जब आपको नहीं पता है कि किस कहाँ पे गवर्नमेंट है कहाँ पे क्या है, तो आप ऑल कर लो, ऑल करने से सब कुछ खुल जाता है। यहाँ सिर्फ DAV इंस्टीट्यूट, ये जो प्राइवेट है, तो मान लो चलो मैं ये बस आपको टिक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको चूज करना है PPP मोड के कॉलेज, तो आप एक PPP मोड ऐसे स्टेटस चूज कर लो, और उसके बाद आप रामगढ़ चूज कर लो, तो आपको रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री सीट और पेमेंट सीट दोनों दिखेगा। अब फ्री सीट और पेमेंट सीट क्या होता है, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की कॉलेज रिव्यू चैनल में बनी हुई है, आप BTech कॉलेज रिव्यूज का प्लेलिस्ट सेक्शन देख लो, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप चूज कर लो। तो चलो फ्री सीट और पेमेंट सीट में से कोई भी एक अभी मैं चूज करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि किसको क्या रखना नहीं रखना, वैसे तो वो भी चीज़ें आप बेहतर ज़्यादा समझ सकते हो, अब आपको भी समझदारी हो गई इस चीज़ में कि आपको क्या चूज करना है नहीं चूज करना है, बट मैं आपको एक थोड़ा बेहतर आइडिया ही दूंगा। तो ये चीज़ हो गई। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, सेट प्रेफरेंसेस में आगे चलते हैं कि कैसे क्या चूज़ करने हैं नहीं करने हैं, ठीक है। तो अभी सेट प्रेफरेंसेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। मैंने अभी तक 4 ही चूज़ किया, अब मैं यहाँ से रीसेट प्रेफरेंसेस दबाऊंगा। अब मुझे फर्स्ट ऑप्शन मैं इसे रख लेता हूँ BIT सिंधरी, सेकंड में इसे रख लेता हूँ, थर्ड में रामगढ़ इंजीनियर कॉलेज को रख लेता हूँ, फोर्थ इसको रख लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सिर्फ ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कैसे प्रेफरेंसेस रखने, तो मैंने 1, 2, 3, 4 रख लिया। फिर उसके बाद अगर आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि ये देखो, ये तो आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने उनका जो पर्सनल डिटेल्स है उसको मैंने हाइड किया कि उनका रैंक और ये सब क्या है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेंगी प्रेफरेंस्ड ऑप्शन लिस्ट, जो मैंने आपको बोला ऐसे ऐसे करके मैंने रखा था, ठीक है। 1, 2, 3, 4 वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अगर आप इसमें एग्री करते हैं तो मैंने जैसा आपको बोला डिक्लेरेशन पे आप टिक करोगे, और उसी तरह जैसे ही आप डिक्लेरेशन पे टिक करोगे लॉक ऑप्शन फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर लॉक ऑप्शन फॉर्म में आप क्लिक करो, ये फिक्स्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रिंट आउट करके सेव कर लो। फिर एक कन्फ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को ये चीज़ें होती हैं कि क्या
अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में चॉइसेस फिल कर लेते हो, अगर आपको कोई चॉइसेस मिल जाती हैं आपके मुताबिक, तो आप उसमें जाके एडमिशन कराने जाते हो, ठीक है। एडमिशन करा लेते हो, एडमिशन कराने के बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप क्या सेकेंड राउंड में बैठोगे? हाँ बिल्कुल आप बैठ सकते हो, आप अपना आप सेकेंड राउंड में आप बिल्कुल बैठ सकते हो। सेकेंड राउंड में आपको कुछ करनी नहीं है, बस आपको सेकेंड राउंड में आपको अपने काउंसलिंग की फ़ी देनी है। ऑब्वियस सी बात है, काउंसलिंग फ़ी दोगे, काउंसलिंग फ़ी के बाद जो बचती हैं, काउंसलिंग फ़ी के बाद जो सीट्स आपके लिए दूसरी राउंड में जो सीट मैट्रिक्स है उस हिसाब से आप अपना फिर से चॉइसेस फिल करो। तो जैसे क्या होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि हमको BIT सिंदरी ही सीट चाहिए, तो जिसको जो कॉलेज ही सीट चाहिए, जैसे सेकंड फर्स्ट राउंड में किसी को सीट मिल गया तो उसको मान लो सिर्फ अपग्रेड ही तो करना, उसको नीचे तो उससे नीचे कॉलेजेस में जाने नहीं। अगर किसी को BIT मिल गया तो BIT का एक अच्छा ही ब्रांच जाना चाहोगे, अगर कोई अगर अच्छा मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो आप सिर्फ उसी को अपग्रेड करोगे, तो सिर्फ उसी ब्रांच को रख लेना। फिर अगर किसी को नहीं मिलता है कोई सीट और फिर उसको बोलना है कि हाँ मुझे अटेंड करने मिलेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखो आप जितना चाहो उतना काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, बट वाइजली आप चॉइस फिलिंग करते हो तब, और आपको काउंसलिंग फी हर बार में देना पड़ेगा, ठीक है। अभी किसी का जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आकाश का मैसेज आया था, तो मैंने बस उसको बस उसके ही जवाब को सवाल को मैंने उठा लिया। और बेसिक बात है, अगर ये सब सवालें होंगी तो आप सबके ये कॉमन इश्यूज होते हैं, तो ये चीजें हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप जितने बार चाहो उतने बार चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो ये हो गई चॉइस फिलिंग। अब बात कर रहे थे सीट मैट्रिक्स पे कि सीट मैट्रिक्स में क्या है। सीट मैट्रिक्स आप देखोगे तो सीट मैट्रिक्स में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस दिमाग में ऐसे भी आते हैं EWS कैटेगरी को लेकर, तो मैं बताता हूँ किस किस चीजों में मुझे थोड़ी सी लगी कि हाँ इसमें सीट्स होनी चाहिए थी। और तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि आप लोग को पहले सीट्स आप ध्यान से देखो, सीट्स पहले आप आओ BIT सिंदरी में सीट्स सबसे पहले तो जो AICTE से अप्रूव सीट्स के बाद जो 10% होती है इंटेक वो आपके लिए हो गई। फिर जो फर्स्ट ईयर से सीट्स बची रह जाती हैं वो टोटल सीट्स हो जाती हैं लैटरल एंट्री में, उसका जो सीट्स डिवाइड हो जाती हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग में मैंने एक चीज़ देखा कि EWS में सीट्स नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है ये चीज़ें सोचने वाली बात है कि माइनिंग में सीट्स हैं क्यों नहीं, क्योंकि बाकी सब में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको हर एक ब्रांच में उस हिसाब के सीट्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, केमिकल इंजीनियरिंग में 12 सीट्स हैं, ठीक है, तो EWS के हिसाब से 10% सीट्स 12 का होना चाहिए, तो उसमें एक सीट दे दिया गया, ठीक है। 20 सीट्स हैं टोटल सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके 10% के हिसाब से 2 सीट्स हैं। उसी तरह आपका CSE में 5 टोटल सीट्स हैं, उसके हिसाब से 10% उसमें एक सीट दिया, मतलब हर एक में एक सीट, दो सीट, एक सीट, एक सीट, एक सीट, एक सीट है, ठीक है। तो माइनिंग में क्यों नहीं है, क्योंकि माइनिंग में भी तो टोटल सीट 6 हैं, तो जब 5 सीट होने के बाद EWS तो उसमें भी एक हो जाना चाहिए था। उससे क्या होता ना EWS वालों को फायदा होता है, ठीक है। अब देखिए अब जो सीट्स हैं उसी में तो आपको फाइट करनी है। अब बात कर लेते कि बाकी कॉलेजेस जैसे यूसेट में तो काफ़ी सीट्स हैं, मैकेनिकल और ECE और CSE और IT में कम सीट्स हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल और ECE वालों को फायदा, अब देख लो इक्विवेलेंट ब्रांचेज वालों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं बता रहा हूँ ECE जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल वाले बिल्कुल इजीली ले सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ही ब्रांच में रहोगे, ये ब्रांच स्विच नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल EEE EEE उसके बाद ECE ये सब इक्विवेलेंट ब्रांचेज है। मैकेनिकल वाले प्रोडक्शन में स्विच इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कुछ कुछ चीज़ आराम से कर सकते हो। CSE IT में जा सकता है, सिविल वालों के तो कुछ ऐसा है नहीं, मेटलर्जी थोड़ा बहुत आप सोच सकते हो, और माइनिंग इंजीनियरिंग का तो कोई कुछ और है ही नहीं, दूसरा कॉलेज भी नहीं है गवर्नमेंट के नाम पे या फिर प्राइवेट के नाम पे, कुछ प्राइवेट में तो है उसे आपका वहाँ पे है झारखंड यूनिवर्सिटी रांची, वहाँ पे है माइनिंग इंजीनियरिंग। माइनिंग इंजीनियरिंग इस बार से RKDF यूनिवर्सिटी रांची में भी स्टार्ट हो गई है, उस पर जो मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया। और ऐसे अगर आप लोग को सीट्स नहीं मिलती हैं या फिर जो भी, अगर आप कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा है, दो तीन राउंड हो जाने के बाद भी अगर आपको एडमिशंस नहीं हो रहे, तो भाई ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की वीडियो बनी हुई है, आप प्लीज़ इसे विजिट कर लिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे जाके पूरा देखिएगा इस वीडियो को। इसमें हमने JCCB में जो आने वाले कॉलेजेस हैं और JCCB के बाहर वाले कॉलेजेस जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो फीस कम करके, या जो भी आप उस पर भी डायरेक्टली मेरे से आके कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग सीट मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स में आपके बहुत सारे कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस पे तो मैं जिक्र नहीं करता, एक RVS है जो आप सोच सकते हो, जिसके बारे में इजीली आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी PPP मोड के कॉलेजेस की आपकी सीट्स आपके सामने है कि कैसे आपके सीट्स फ्री सीट में बटे हुए हैं, पेमेंट सीट में बटे हुए, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब किन बच्चों को क्या मिल सकता है इस पर एक सवाल है, और इस पर मैं एक थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो से भी 15 मिनट की हो चुकी है अभी तक में, मैं 5 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर BIT सिंदरी में जैसे सिविल वालों का मैंने देखा है बहुत लोग हैं सिविल में, ठीक है, मैसेज भी लोग कर रहे हैं जो टॉप रैंकर्स हैं, जो टॉप 50 या टॉप 60 में आए हैं उसमें सिविल वाले बहुत हैं, 6-7 के आसपास तो लोगों ने मुझे बता भी दिया है, किसी कैंडिडेट ने मैसेज भी कर दिया कि कितने लोग हैं, कितने लोग किस कैटेगरी में है। तो सिविल वालों का ये सीन है चल रहा है, ठीक है। माइनिंग के बंदे हैं ही, इलेक्ट्रिकल के बंदे हैं ही,
मुझे रैंक 2 वाले ने मैसेज किया, वो मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, बट मैं आज तो कंफर्म उनसे बात कर ही लूँगा। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख ले तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं ज़रूर आज आपसे बात करूँगा। कल तो मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था, बट आज मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद टॉप 50 में जो है आप अपना चॉइस फिलिंग जो आपको चाहिए आप इस आराम से रखिए, आपको आपका ब्रांचेस ज़रूर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और टॉप 80 तक में, टॉप 80 टॉप 90 वालों को आप अपना जो प्रेफरेंस जो आप पहले सबसे पहले रखना चाहते हैं, जो ब्रांचेस आपको चाहिए आप उसको सबसे पहले रखिए। उसके बाद मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक ब्रांच तक नहीं रुकना है, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप एक ब्रांच तक नहीं रुकेंगे, नहीं तो टॉप रैंकर्स वाले भी आप लोग भी अपने ब्रांच कोई आपको फिर मिलेगा नहीं। आप कम से कम 4 से 5 ऑप्शन जरूर रखें, ठीक है। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, जिनका थोड़ा सा ज़्यादा रैंक है उनको तो 6 7 8 9 ऑप्शन आप रखो, ठीक है। आपको फ्री सीट भी रखना पड़ सकता है, पेमेंट सीट भी आप रखो, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट में जो आप फीस देने जा रहे हो 70,000 60,000 जो भी आप पर साल दोगे, उससे बढ़िया कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ के वो फीस दो, तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो आप ऑप्शन सबसे ज़्यादा रखें, जितना हो सके आप अपना ऑप्शन रखें। अगर लेकिन अगर आपको ब्रांच स्विच करने का मूड ही नहीं है तो आप ऑप्शन ऐसे भी कहाँ से रखोगे, जिसको अगर सिविल में जाना तो वो सिविल के ही ऑप्शन रखें। तो जैसे जिनका रैंक अच्छा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो BIT सिंधरी रखेंगे। लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हो कि कितने लोग तक BIT सिंधरी रखें, तो ये भी बात सही है कि जिनका रैंक 200 से ज़्यादा प्लीज़ BIT सिंधरी ना रखें। मैं CML रैंक की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक वालों को मैं अभी बोल भी नहीं रहा हूँ कि कैटेगरी रैंक का कोई डिसीजन होता नहीं है। कैटेगरी के समझ में भी हमको मुझे भी नहीं आता कि कैटेगरी रैंक कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सीट्स एक दो ही होती हैं, तो अगर टॉप रैंकर्स में ही किसी का कैटेगरी वाला होगा तो उनको मिल जाएगा। और जो ब्रांचेज होती है वो अलॉट पहले कैटेगरी वाइज से देखी जाती है, फिर उस बंदे की जनरल रैंक देखी जाती है। तो अगर उनका कैटेगरी रैंक है तो कैटेगरी से हो जाएगा अलॉट, नहीं तो फिर ऐसे जनरल से अलॉट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो जिनका रैंक 200 250 से ऊपर है वो BIT सिंधरी ना देखें, आप अपने दूसरे कॉलेजेस में जाएं, जैसे फ्री सीट आपके लिए बहुत इजीली आपके लिए अवेलेबल है। तो फ्री सीट वाले कॉलेजेस जैसे आप चाईबासा रामगढ़ दुमका में जा सकते हैं, या फिर यूसेट आप चूज कर सकते हैं, जहाँ पे यूसेट में मैकेनिकल ECE CSE और IT है, ठीक है। जिनको CSE में इंटरेस्ट है, अगर उनका 200 250 300 के आसपास रैंक है, 500 का रैंक है, आप यूसेट को चूज कर लो। उनकी फीस तो मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वीडियो में बता दी, और स्कॉलरशिप के बारे में मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वीडियो बता दिए, जिसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जिनका रैंक 500 से ऊपर चला जाए आपके लिए भी वही है, आप फ्री सीट वाले कॉलेजेस में अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये ऑप्शन जरूर बोलूंगा, जिनका मैकेनिकल और ECE जो लेना चाह रहे हैं वो प्लीज़ यूसेट को चूज़ कर लें। आप वहाँ बहुत सीट्स हैं, आपको आसानी से वो कॉलेजेस मिल जाएंगे और आप इजिली एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लोगे, ठीक है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आप पढ़ सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा इंजीनियरिंग खत्म करने के लिए। डिप्लोमा में आपने कम फीस में पढ़ाई की, बट BTech में नहीं हो पाएगा उतना कम फीस में, ठीक है। सबको BIT सिंधरी नहीं मिलेगी। आप जिनका 500-600 रैंक है, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फ्री सीट पेमेंट सीट आपको रखना ही चाहिए, या फिर यूसेट आपको रखना ही चाहिए। आप अगर प्राइवेट आपको लेना तब तो फिर आप RVS CIT ये सब कोई तो रखते ही हैं। अब जिनका 1,000-1,500 है, तो आपको फ्री सीट तो चलो आप रखोगे ही रखोगे, ठीक है, लेकिन पेमेंट सीट आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप पेमेंट सीट नहीं रखते हो तो आपको फिर बहुत मुश्किल है कि आपको कोई फ्री सीट मिलेगा। क्योंकि सीट्स की जो दिख रही है आपको, मतलब जितने अमाउंट्स दिख रहे हैं सीट्स में, जितने इंटेक्स दिख रहे हैं, वैकेंसीज जितनी हैं, वैकेंट सीट्स हैं, उस हिसाब से दिख नहीं रहा है कि बहुत दूर तक जाएगा रैंक। लेकिन हाँ, आप पेमेंट सीट ज़रूर रखो। और जिनका 1,500-2,000 के आसपास है भाई, आपको तो प्राइवेट भी रखना पड़ेगा। आप RVS को ज़रूर रखो ऑप्शंस में। RVS की फ़ीस स्ट्रक्चर आप उनके भी कॉलेज रिव्यू हमने बना के रखे हैं, CIT की भी कॉलेज रिव्यू हमने बना के रखी है, तो कॉलेज रिव्यूज़ आपको हर चीज़ की मिल जाएंगे। और यूसेट के बारे में तो मैंने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाली वीडियो में बता दिया, मैंने उनका कॉलेज रिव्यू नहीं निकाला, लेकिन कॉलेज रिव्यू में जो बताया जाता वो मैंने उस वीडियो में ही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज वाले में ही बता दिए कि उसकी फ़ीस, उसके स्कॉलरशिप, उसके प्लेसमेंट्स, एवरीथिंग, ठीक है, मैंने कवर कर लिया। हॉस्टल तक भी मैंने कवर किया है, तो सब चीज़ें हैं। अब वही मैं बार बार चॉइस फिलिंग के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने नहीं सुना तो फिर से सुन लीजिए कि चॉइस फिलिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका 200 के अंदर रैंक है, प्लीज़ आप BIT सिंधरी को आप इजीली फिल कर सकते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो डिपेंड करता है कि टॉप रैंकर्स वालों ने किन किन ब्रांचेस को छोड़ा और किन किन ब्रांचेस को उन्होंने लपक लिया है। जिनका टॉप 100 के अंदर रैंक है, तो आप पहले सबसे पहले तो आप अपना मनपसंद चीज़ों को पहले फर्स्ट चॉइस रखोगे, लेकिन सेकंड चॉइस भी रखना, थर्ड चॉइस भी रखना, फोर्थ चॉइस भी रखना, ठीक है। 4 चॉइसेस कम से कम होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद तो जो आगे उनके आगे 100 के आगे वाले रैंक है, वो तो 4 5 6 7 अपने चॉइसेस को फिल करते चले जाएँ। और जिनका रैंक 1,000 के अंदर तक है, आप प्लीज़ यूसेट PPP मोड के फ्री सीट वाले कॉलेजेस को ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आपके लिए और कोई ऑप्शंस है भी नहीं, और अच्छे, ठीक है, अच्छे ऑप्शंस। फिर उसके बाद जिनका 1,000 से ऊपर चला गया, वो फ्री सीट के साथ पेमेंट सीट भी रखें, ठीक है। और जिनका 2,000 के आसपास का रैंक है, आप प्राइवेट कॉलेजेस को भी आप टारगेट करें, क्योंकि और उसके अलावा आपके पास कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और जिनका उससे भी ज़्यादा रैंक है, तो आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस ही हैं और पेमेंट सीट ही हैं ऑप्शन, ठीक है। फ्री सीट नहीं बचेगा बहुत, हाँ किसी का कैटेगरी रैंक होगा, SC ST
EWS या TFW रैंक या फिर कोई कैटेगरी रैंक से उनके झोली में कोई सीट गिर जाए अच्छे वाले, तो उसका तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं CML रैंक की ही हमेशा बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे, मैंने CML रैंक के तौर पर ही देखा, मैं एज अ जनरल कैंडिडेट ही देख रहा हूँ हर बार कि कैसा क्या चीज़ें होनी चाहिए। कैटेगरी रैंक में आपको मिल सकता है लेकिन ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, एक आध दो सीट्स ही तो हैं, उससे ज़्यादा कहाँ सीट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से रख लो, ठीक है, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेजेस के उतने अच्छे कॉलेजेस हैं नहीं जितना मैं उनका पक्ष रखूँ, ठीक है। ये चीज़ें हैं, अब इस वीडियो में इतना ही है, जिसमें मैंने 20 मिनट में करीबन आपको कवर करने की कोशिश की कि हाँ भाई आप ऐसे चूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, इन कॉलेजेस को। बाकी जो भी जानकारी चाहिए आपके पास, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर नहीं भी हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन और टेलीग्राम का सहारा आप ले सकते हो, और ऐसे तो मैं गूगल मीट और लाइव आते रहूँगा, आपसे डिस्कस करते रहूँगा 21 तारीख तक। इसी तरह आप सपोर्ट दिखाते रहिए, वीडियो आप शेयर करते रहिए और प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू, और आपके जो सवाल है मैं हमेशा उनका जवाब देते रहूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें गाइस, थैंक यू, बाय बाय।